स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। और ठंडी भी चालू हो गई है फिर। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा कान, हवन नहीं जाना चाहिए, उसको ढक के रखो कान। हाँ, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। अब अभ्यास 2 यानी चैप्टर 2 बढ़ते कदम। तो बढ़ते कदम में अभ्यास 4 तक हमने देख लिया था, राइट। अब आए हम अभ्यास 5। नए पेज में आज की डेट, राइट, दिसंबर 7 दिसंबर हुआ ना, वो आज की डेट, राइट। हेडिंग डाल हो गया, वह उस ये इन जब हम हिंदी में छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं, तो मैंने पहले ही बोला कि भाई कोई नजदीक पास वाली चीज के बारे में हम बोलते हैं तो क्या कहते हैं, यो और इस, राइट। दूर के लिए वो, पास वाली चीज के लिए यह, दूर वाली चीज के लिए वह, ये कब हम यूज करते हैं, बहुवचन, राइट। ये चार का तो कौन से भाव को क्लियर है ना, राइट। तो अब उससे आगे चलो, यह तो यह पास वाली कोई चीज हमें दिखा नहीं है, तो यह पर एक वचन, यह राम है, यह कौवा है, तो वो एक एक सेंटेंस हम बनाते हैं। जब एक एक सेंटेंस हमें बनाना है तो हम ऐसे बनाएंगे, यह से, राइट। जैसे पतंग है तो यह पतंग है, बराबर। यह कौवा है, यह माली है, यह अरविंद, कोई भी नाम लिख लो है, राइट। एक सेंटेंस बनाना है तो यह
मोहन है, राइट? फिर वह, तो वह के लिए हमें जो दूर खड़ा है उसको हमें दिखाना है, दूर की चीज, दूर जो है उसको दिखाना है, तो हम एक वचन में किसका उपयोग करते हैं? वह, वह। समझ में आया कि वह कौवा है, वह मोर है, उड़ती पतंग हमें दिखाना है तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे वह पतंग है। समझ में आया? तो वह पतंग है, ये एक के ऊपर मैंने बिंदी लगाई है नहीं। अब देखो आपके चार पार्ट नहीं होते ये लाइन ड्रॉ करके, तो आप क्या करोगे, दो ऊपर लिखना, चार लाइन छोड़कर ये दो नीचे लिखना। समझ में आए? तो इसके आगे ऐसा लिखना एक वचन, और इसके आगे ये के आगे लिखना ये दोनों के आगे बहुवचन। समझ में आया? तो सब कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए। तो यह मोहन है एक सेंटेंस में, पर उसके बारे में जब हमें ज्यादा बातें करनी है कि भाई ये मोहन की किताब है, ये मोहन का बैग है, तो मोहन के पास बैग है, मोहन के पास साइकिल है, मोहन के पास बैग है, मोहन के पास बॉल है, तो ये तो उसके उसके बारे में हमें बात करनी है, तो यह के साथ क्या आएगा? इस। क्या आएगा? इस। क्या आएगा? इस। यह के साथ इस। तो इसके, समझ में आया? समझ में आया? यह के साथ क्या आएगा? इस। इसके पास किताब है, बैग है, किताब है, पूछ तो। समझ में आया भाई? आई बात समझ में? क्लियर? दूसरा बनाना है तो हम कैसा वाक्य बनाएंगे? आप बोलो, बोलो, कोई भी बनाओ। मोहन के पास आलू है, हाँ बोलो, खड़ी होकर बोलो। मोहन के पास गेंद है, राइट? सही है। फिर मोहन की जगह हम क्या लिखेंगे? इसके पास, राइट? चलो और दूसरा सेंटेंस बनाओ। हाँ बोल। इसके पास पतंग है, इसके पास पतंग है, राइट? सही है। फिर इसके पास बैग है, राइट? चलता है, राइट? समझ में आया? तो ये होता है, यह के साथ इसका यूज होता है। मैं खाली जगह में पूछूंगी। चलो अब आ गया वह, बराबर? वह का उपयोग हम कब करते हैं? दूर की चीज दिखाने के लिए। समझ में आया? दूर, जो दूर खड़ा है, दूर की चीज दिखानी है, दूर यानी कोई चीज नहीं, लिविंग थिंग्स भी हमें दिखानी है, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स, के वह वह कौवा है, वह मोर है, चलेगा? वह पुस्तक है, चलो लिखो। वह पतंग है, मैंने लिखा ही, राइट? सब लिखना है, हाँ सब लिखना है, तो हमें याद आए कि हमने ये पढ़ा था, इसका ऐसा मैम ने समझाया था, राइट? तो वह पतंग है। फिर उसका रंग, वह के साथ क्या आता है? उस, तो उसका रंग हरा है, पतंग कोई भी रंग रंग की हो सकती है।
वह गाय है, उसकी पूंछ लंबी है। चलो लिखो। बोलकर लिखना है बेटा। कल मैंने समझाया था कैसे लिखना है, हाथ यहाँ समझाया था ना, तो वैसे ही लिखना है। और लाइन ड्रॉ कर दो फिर लिखो। एक मिनट। तो उसका रंग हरा है, ये सब खाली जगह में आएगा कि भाई यह आगे था है, तो पीछे की खाली जगह में क्या आएगा? तो आपको ये याद रखना है कि यह के साथ इस आता है, वह के साथ उस आता है, और वे और ये कब यूज होता है सेंटेंस में? जब बहुवचन होता है तब। बराबर। तो जैसे ये इतलिया है, ये इतलिया के ऊपर बिंदी पूर्ण विराम, राइट? यह ये तितलियां है, उनके उनके पंख रंग बिरंगी है। उनके पंख रंग बिरंगी है। समझ में आया? आई बात समझ में? ये के साथ क्या आता है? उनके राइट। अब ये कब यूज होता है? ये तो ये भी बहुवचन है, और पास वाली चीज दिखानी है तो हम ये वे ये पास वाली वे दूर वाली। तो चलो खाली जगह में पूछूंगी के, और ये भी आएगा सेंटेंस के भाई पास वाली चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो यह ये क्वेश्चन आंसर में आएगा। दूर वाली चीज दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो वह बहुवचन पास वाली चीज बहुवचन के लिए ये, दूर वाली बहुवचन के लिए वे। समझ में आया? चलो तो ये सब
क्लियर होना चाहिए। कितना लिखा भाई है? अच्छा बोल बोल कर लिखो। क्या होता है कि आता है, लिखना आता है पर बोल बोल कर ही लिखना है, तभी शब्द आएंगे। लाइन ड्रो करना बेटा। अच्छा चलो लाइन। अजी अभी तो इधर ही है। हेलो जनक से लिख, थोड़े जल्दी का वहाँ कहाँ लिखा है, जल्दी से लिख बेटा और मन में बोलो बोलो तो याद रहे। आप याद तो रहना चाहिए ना, तो शब्द भी आने चाहिए। चलो लिखो। चलो और रही बात नोटबुक की, तो भाई नोटबुक में एक चैप्टर खत्म होगा, तो ये सभी के लिए एक चैप्टर खत्म होगा, तो मैं क्लास टेस्ट लूंगी, नोटबुक चेक करूंगी, होमवर्क रोज चेक करूंगी, तो जो भी आते तो उनको वो कंपलसरी लिखना बरोबर, क्योंकि बहुत छुट्टी हो गई। हो गई ना छुट्टी, अब क्या करें, अब आएंगे, अब छुट्टी खत्म। अब क्या करना है, पूरा अच्छी तरह से खाना वाना खा कर एक्सरसाइज कर कर अभ्यास छे में
है तो हम, तू होता। मैं, जैसे इंग्लिश में आई होता है, आई होता है सिंगुलर, और प्लुरल में क्या होता है कि वी होता है, आई वी यू सिंगुलर प्लुरल, यू यू ही शी इट, तो उसके सामने दे, ये आता है आपको ग्रामर में? फोर्थ स्टैंडर्ड आता है? फोर्थ स्टैंडर्ड आता है? वैसे हिंदी में ये आता है, तो हमें हमारे बारे में बात करनी है, तो हम क्या करते हैं, मैं क्या, मैं तुषार हूँ, मैं रीना हूँ, मैं माया हूँ, राइट, मैं मेरी मम्मी का नाम है सरस, तो मैं आपके बारे में आपको बताना है, आपके बारे में, तो मैं विद्यार्थी हूँ, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, समझ में आया, वही आएगा ना, तो मैं रीना हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, रीना हूँ विद्यार्थी हूँ, मैं स्कूल, लड़की है तो क्या लोग लिखेंगे, जाती, और लड़का है तो क्या लिखेंगे, जाता हूँ, मैं हाँ रोटी खाती हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, बरोबर, जनरल के हिसाब से जाती हूँ जाता हूँ चेंज होगा, राइट, उसके बाद है तो ये गर्ल के बारे में लिखा है हमें, जैसे बॉय के बारे में लिखा है, लिखना है तो वो आपको लिखना है, जैसे मैं बॉय क्या लिखेंगे, मैं मोहन हूँ, आप अपना नाम लिख सकते हो, आप अपना नाम, खुद का नाम लिख सकते हो, बरोबर, खुद का नाम लिख सकते हो, मैं विद्यार्थिनी, यहाँ हम मोहन लिखते हैं, विद्यार्थी, यहाँ आएगा विद्यार्थिनी, विद्यार्थी यहाँ आएगा विद्यार्थी, मैं विद्यार्थी, हाँ आपको दो लिखना है, अब ये रफ कर दूँ ये वाला, समझ में आया, अब बहुवचन में होगा तो क्या लिखोगे, गर्ल्स क्या लिखेगी बहुवचन में, हम लड़कियां ऐसा ही लिखे ना, आइए ना, तो बहुवचन में नेक्स्ट टाइम देखेंगे, यहाँ पीरियड खत्म करके, हरिओम।